नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर देवास से है, जहां मीना बाजार मेले में बारिश के चलते काफी कीचड़ हो रही है। ऐसे में वहां पर लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद दिवेश कानूनगो ने बीती रात कीचड़ में फूल बिछाकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को फूल देकर कहा कि आपके अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराएं। दिवेश कानूनगो ने कहा कि प्रति वर्ष मेला लगाया जाता है और लोग यहां पर मनोरंजन के लिए आते हैं। ऐसे में यहां पर कीचड़ में लोग परेशान हो रहे हैं और कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम दूसरे कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, पर इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर हमने इस प्रकार का प्रदर्शन किया है। गुलाब का फूल दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सोच करके यहाँ पर दुकान लगाई थी उसका इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनकी गलती हो गई, इसलिए हम सहानुभूति में इनके साथ थे। ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ये प्राचीन परंपरा रही है, ये 86वां वर्ष है दशहरा मेले का, जिसे मीना बाजार कहा जाता है, जो वर्षों से लगता है और जो हमारे देवास की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जनता साल भर इंतजार करती है इस मीना बाजार का, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस मीना बाजार में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब, चारों मतलब बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोई व्यवस्था इन्होंने सुचारू रूप से करी नहीं, हर जगह गंदगी का आलम है, कहीं किसी चीज की जो जहाँ पर व्यवस्थित होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी महिलाएं पुरुष आ रहे हैं वो कीचड़ में से आ रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पता चला है कि कई लेडीजें कई महिलाएं यहाँ पर गिर चुकी हैं। और जो यहाँ पर आता है आज ये सोच करके आता है कि हमें मीना बाजार को हमको देखना है, पर यहाँ उस हिसाब से भीड़ भी हो रही है, पर यहाँ देख करके उसे पता चलता है कि हम गलत जगह आ गए। तो ये हमारे देवास के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या देवास नगर निगम हमारे दूसरे कामों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर सकता है, पर हमारे देवास में जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है क्या उसके लिए गिट्टी और मुर्रम भी नहीं डाल सकते थे क्या? क्या मानते हैं भैया, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे मीना बाजार के अंदर व्यवस्थाओं में? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अधिकारियों से बोलता हूँ कि वो हमारे देवास की जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने ऐसा शर्मसार कार्य किया है कि जिससे उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज जो जनता है उस जनता को आपने झूठी दिखावा करके और उनकी जो भावनाएं थी उस भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपका नाम बताना। यहाँ पर जो दुकानदार रहे जितने, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन सारे दुकानदारों ने जिस हर साल जिस हिसाब से पैसा यहाँ पर देते हैं और इस साल भी उन्होंने उसी रूप से पैसा दिया, पर यहाँ पर पानी की स्थिति को देखते हुए उनको आधा पैसा ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका धंधा पूरी तरह से मर चुका है यहाँ पर। मतलब सरासर देवास की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस तरह से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम खुद देखते हैं, जब हम छोटे थे तो हम मीना बाजार जाते थे, वहाँ पर मूंगफली खाते थे, गुब्बारे उड़ाते थे, वहाँ पर उस समय कृषि कला केंद्र होता था, चित्रकारी प्रदर्शनी लगती थी। अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, और उस समय जब कोई संसाधन नहीं थे, जब इतने अच्छी तरीके से उस चीज़ को कर सके हैं हम, और आज इतने साधन होने के बाद हम क्यों नहीं कर पाए इस चीज को सही तरीके से? भैया, बाहर जो साइकिल स्टैंड के अंदर लोगों को परेशानी आ रही है।